नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 509 यूनिट 6 की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, 500 यूनिट 6 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न संख्या एक है। मैं 509 का यूनिट 6 में पांच प्रश्नों का चयन किया हूँ। मात्र ये पांच प्रश्न हैं जिनको हम लोग एक एक करके आज देखने वाले हैं। प्रश्न को समझिए। भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का वर्णन करें। भारत में अलग सामाजिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है और भाषाई विविधता है। हमको भारत के तीन तरह के विविधताओं का वर्णन करना है। वैसे तो बहुत सारा विविधता है, लेकिन हमें मात्र यहाँ पर तीन तरह की विविधताओं का वर्णन करना है। विविधता मतलब अलग अलग। भारत अपने जैविक एवं सांस्कृतिक विविधताओं का एक यह विश्वसनीय देश है। पहला पॉइंट है कि भारत अपने जैविक और सांस्कृतिक विविधताओं का एक यह विश्वसनीय देश है। जाति, धर्म और भाषाएं सांस्कृतिक विविधता के मुख्य स्रोत हैं। जाति, धर्म और भाषाएं, ये तीन चीज आपका सांस्कृतिक विविधता को उत्पन्न करता है। जाति से सांस्कृतिक विविधता उत्पन्न होती है, धर्म से सांस्कृतिक विविधता उत्पन्न होती है, भाषाएं से भी सांस्कृतिक विविधता उत्पन्न होती है। इस देश में 4635 चिन्हित समुदाय हैं। सोचिए कितने तरह के समुदाय हैं भारत में, 4635, जिनमें से अधिकांश के अपने अद्भुत पहनावे, भाषाएं, पूजा का विविध विधियाँ, व्यवसाय, भोजन की आदतें और गोत्र हैं। इन सभी में अलग अलग तरह के पहनावे, अलग अलग तरह के भाषाएं, अलग अलग तरह के पूजा पाठ करने का तरीका, अलग अलग तरह का व्यवसाय, अलग अलग तरह का भोजन करने की आदतें और अलग अलग तरह के गोत्र होते हैं। तो अलग हुआ या नहीं, विविधता तो है। धार्मिक विविधता की हम लोग बात करें, भारत की जनसंख्या की धार्मिक विविधता का लक्षण सदियों से सुनिश्चित किए जा चुके हैं। संभवतः पृथ्वी के किसी क्षेत्र की अपेक्षा भारत में अधिक धार्मिक विविधता है। यहां देखिए कह रहा है कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र की अपेक्षा सबसे अधिक विविधता कहीं है धर्म के नाम पर, तो भारत में है। धर्म के नाम पर भारत में विविधता है, अर्थात भारत में धार्मिक विविधता है। यहाँ कौन कौन धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू यानी हिंदुवाद, बौद्ध धर्म के लोग बौद्धवाद, जैन धर्म के लोग जैनवाद, सिख धर्म के लोग सिखवाद का जन्म स्थान है। ये सभी धर्म भारत में ही जन्म लिए हैं, यहीं से उत्पन्न हुआ है। जबकि भारत हिंदूवाद, बौद्धवाद, जैनवाद, सिखवाद का उद्गम स्थल है, इस्लाम का भी एक लंबा अस्तित्व है। यहाँ पर इस्लाम आज नहीं आया, बहुत लंबे समय से इस्लाम यहाँ पर भी चला हुआ। अतः भारत में यहूदी धर्म, ईसाई, बाहाई धर्म के अनुयायी भी हैं। भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, इन लोगों के अलावे यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, बाहाई धर्म के अनुयायी भी रहते हैं। भारत का कोई औपचारिक राजधर्म नहीं है। भारत धर्म के नाम पर निरपेक्ष है, यानी कोई भी धर्म को अपना धर्म नहीं माना है, राजधर्म नहीं बनाया है। किंतु यह भारतीयों के दैनिक जीवन में अपने उत्सवों, त्योहारों, तीर्थस्थानों, पारिवारिक धार्मिक परंपराओं के माध्यम से केंद्रीय भूमिका निभाता है। भारत का कोई औपचारिक राजधर्म नहीं है, लेकिन यह सभी धर्म को मानता है, सभी त्योहार को मानता है, सभी तीर्थस्थल को मानता है, सभी पारिवारिक धार्मिक परंपराओं को मानता है। पश्चिम की अपेक्षा भारत में वस्तुतः समस्त जनसंख्या द्वारा धर्म को अधिक गंभीरता से लिया जाता है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत के 81% लोग हिंदू, यहाँ देखिए हिंदुओं का प्रतिशत है 81%।
शेष को छोड़कर जो अन्य धर्मों से जुड़े हैं, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी प्रमुख राज्यों में हिंदू बहुसंख्यक है। यानी केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो हर जगह हिंदू लोग ज़्यादा हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमान एन सभी धार्मिक समूह को एक साथ जोड़कर संख्या में सबसे बड़े अधिक धार्मिक समूह है। ये कैसे हम लोग कह सकते हैं? भारत की जनसंख्या जनगणना श्रृंखला एक भारत का भाग 2C में दिया हुआ है। ये भारत की जनगणना 1981, भारत की जनगणना 1995, भारत की जनसंख्या 2001 धार्मिक डाटा पर जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है इसके आधार पर हम लोगों ने ये सभी बातें किया। उसके बाद आता है भाषाई विविधता। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि दूरी के हिसाब से आप कुछ ही दूरी जाएंगे आपको एक नया भाषा सुनने सीखने बोलने का मौका मिलेगा। भारत में अनेक भाषाएं मैंने भाषा के लोग रहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, भाषा जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत बहुभाषाई और बहुजातीय देश है। भारत में बहुत तरह के भाषा पाया जाता है और बहुत तरह के जाति लोग भी पाए जाते हैं। भाषा विविधता एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भाषा का विविधता एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें से देश में 335 भाषाएं 325 भाषाएं और 25 तिथियां प्रयोग में हैं। ये भाषाएं साथ ही साथ लिपियों विविध भाषाई परिवारों से उत्पन्न हुई है। भारतीय से आर्य भाषा, तिब्बती बर्मन, द्राविड, ऑस्ट्रेलियन, एशियाई, अंडमान, सेमिटिक, भारतीय ईरानी, सिंधु तिब्बती भारतीय हजारों भाषाओं से पृथक है। कम से कम 65% समुदाय द्विभाषाई है। भारत के कम से कम यानी 100 में से 63 आदमी ऐसे हैं जो कम से कम दो भाषा को जानता है। 100 में से 65 आदमी इस तरह के हैं जो कम से कम दो भाषा को जानता है। अधिकांश जनजातीय समुदाय बहुभाषी हैं। यानी जो जनजातीय लोग हैं वो एक से अधिक भाषा को बोलते हैं, बहुभाषी हैं। बहुत सी मातृभाषाएं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण उपकरण हैं। द्विभाषावाद के माध्यम से भाषा संपर्क सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया के लिए महत्वपूर्ण साधन है। कोई भी आप अपना ये कुछ बोलना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में मात्र इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि ये सभी यदि आप PDF में चाहते हैं, ये बेहतरीन नोट्स आप बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको PDF मिल जाएगा। इस WhatsApp पर मैसेज करें, यहाँ पर आपको 508, 509 और 510 का नोट्स मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी जान चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं कि 501 से लेकर 507 तक के एग्जाम्स में मेरा नोट्स ने धमाल मचा चुका है और इस बार भी धमाल मचाएगा क्योंकि मैं इससे ज़्यादा मेहनत कर इसको बनाया हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।